नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जिला मुख्यालय की खबरों पर डालते हैं नजर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहरणालय सभा कक्ष में एमसीएमसी कोषांग की बैठक की। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहरणालय सभा कक्ष में एमसीएमसी कोषांग की बैठक की, जिसमें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए उनका अनुपालन करने को कहा गया। बैठक में विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रिंटिंग प्रेस के संचालक मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल द्वारा पेड न्यूज प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवाइजरमेंट के संबंध में विस्तार पूर्वक सभी को जानकारी दी गई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि यदि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन नहीं होगा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं कुलदीप चौधरी उपायुक्त और ईशा खंडेलवाल जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने क्या कहा। और 13 मई को हम लोग यहाँ पर मीडिया से संबंधित और राजनीतिक दल और मीडिया का जो वहाँ पर पॉइंट है, जो जिसमें कन्वर्जेंस उसके संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों के साथ आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो हम लोग गाइडलाइंस उसके रेफरेंस में हैंड होल्डिंग सभी की कर सकते, आप लोग को भी इसके बारे में जानकारी दें। और उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या जिम्मेदारियाँ और अपेक्षाएँ हम लोग माध्यम से कभी ज्यादा कंप्लाइंस जो हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार हम लोग चर्चा कर सकते। तो एक्सपेंडिचर सेल्फ मॉनिटरिंग जो नोडल ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर आईटीडी है और एमसीएमसी कोषांग में डीपीआरओ के माध्यम से बात करने को कॉर्डिनेट कर रहे हैं। एक बार मीटिंग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अगर हम डेफिनेशन बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी आपके द्वारा किसी भी प्रकार के एडवर्टीजमेंट, चाहे वो टीवी पे चल रहे हों, चाहे टीवी पे चलाने हों, एलईडी स्क्रीन पे चलाने हों, डिजिटली चलाने हों, चाहे वो यूट्यूब पे चलाना हो, फेसबुक पे चलाना हो, एनी काइंड किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारण किया जाएगा उसका प्री सर्टिफिकेशन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लेना, एमसीएमसी को लेना कंपल्सरी। अब आते हैं प्रिंट मीडिया के बारे में। तो प्रिंट मीडिया में प्री सर्टिफिकेशन सिर्फ 4 डे वाले जो दिन होता है उसके एक दिन पहले या 4 डे के दिन यदि किसी प्रकार का विज्ञापन का प्रसारण कराना है तभी वो एमसीएमसी से अप्रूवल लेना जरूरी है, अन्यथा प्रिंट मीडिया के लिए एमसीएमसी में प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है कि प्रिंट मीडिया के जितने भी हैंडबुक्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्रिंटर्स का। प्रिंटर को ये ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार की सामग्री जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट से संबंधित है उसका मुद्रण कराया जाता है तो उसमें मुद्रक और प्रशासन और प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर।